स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फुल वेव रेक्टिफायर। मैं टीटीसी के तहत आपको जीडब्ल्यूपीसी अजमेर से बोल रही हूँ, भावना माथुर। मैं आपको फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग बताऊंगी। फुल वेव रेक्टिफायर, पहली बात तो हम ये देखेंगे कि रेक्टिफायर्स होते क्या हैं। रेक्टिफायर्स वो सर्किट हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की बजाय उसे यूनिडायरेक्शनल बनाते हैं, और प्योर डीसी प्राप्त करने के लिए हम फिल्टर सर्किट काम में लेते हैं। लेकिन नॉर्मली रेक्टिफायर की डेफिनेशन यही होती है कि वो सर्किट जो एसी को डीसी में बदलते हैं वो रेक्टिफायर्स कहलाते हैं। आज का हमारे टॉपिक में हम फुल वेव रेक्टिफायर देखेंगे। फुल वेव रेक्टिफायर वो होते हैं जो पूरे साइकिल के लिए, एसी के पूरे साइकिल के लिए उसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग पढ़ी थी। हाफ वेव रेक्टिफायर केवल आधे साइकिल के लिए ही कंडक्ट करते हैं, यानी हाफ साइकिल का ही रेक्टिफिकेशन करते हैं, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर कंप्लीट साइकिल को का रेक्टिफिकेशन करेंगे। फुल वेव रेक्टिफायर दो प्रकार के होते हैं, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर। आज के लेक्चर में हम इन दोनों की वर्किंग को देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। ये जो हमारा सर्किट है ये है सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में ये हमने एक ट्रांसफार्मर काम में लिया है। ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी है, इस पे हम एसी सप्लाई लेते हैं। एसी सप्लाई वो वोल्टेज जिसका कि हमें रेक्टिफिकेशन करना है। इस तरह का हमारा एसी वोल्टेज होता है जो कि टाइम के रेस्पेक्ट में वैरी करता है। इधर हम वोल्टेज लेते हैं, इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों होते हैं। अब इस एसी सिग्नल का हमें रेक्टिफिकेशन करना है, इसके लिए हमने ये ट्रांसफार्मर काम में लिया गया है। इस ट्रांसफार्मर, ये जो हमने जो ट्रांसफार्मर लिया है ये सेंटर टैप लिया है। सेंटर टैप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसके मिड में से हमने एक कनेक्शन बाहर निकाला है, इसलिए ये रेक्टिफायर कहलाता है सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। अब इसकी वर्किंग इस तरह से होगी, जब एसी का पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो हमारा प्राइमरी के पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे हो गया, सेम सेकेंडरी में भी पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर हो गया और नेगेटिव टर्मिनल नीचे हो गया। सपोज करें हम इस टर्मिनल को नाम दे देते हैं पी और उसको नाम देते हैं क्यू, और लोड का ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल है बी। तो जब ऐसा होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो हम देखते हैं अपर टर्मिनल पॉजिटिव और लोअर टर्मिनल नेगेटिव होता है। तो इस समय हमारा डायोड D1 फॉरवर्ड बायस होता है और D2 रिवर्स बायस होता है, क्योंकि D1 का जो एनोड है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, लेकिन D2 का जो एनोड है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है तो ये रिवर्स बायस हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि डायोड फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है और रिवर्स बायस में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो इस समय हमारा D1 पेंडेंट करेगा और D2 ऑफ रहेगा, तो हमारा करंट का डायरेक्शन होगा, करंट ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी है इसके अपर हाफ में ही फ्लो होगी, लोअर हाफ में फ्लो नहीं होगी क्योंकि D2 समय रिवर्स बायस है। तो करंट का डायरेक्शन सर से होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, D1 के थ्रू करंट यहाँ आएगी। इस बिंदु पे करंट दो भाग में डिवाइड होनी चाहिए, इधर भी जानी चाहिए और इधर भी, लेकिन D2 क्या है अभी ओपन सर्किट है तो सारी की सारी करंट ए से लोड में होती हुई बी की ओर जाएगी। तो ये हमारा करंट का डायरेक्शन होगा इस समय, इस पाथ में हमारी ये करंट फ्लो होगी। तो इस समय लोड में करंट ए टू बी फ्लो हो रही है, तो जो आउटपुट वोल्टेज होंगे अपर पॉजिटिव एंड लोअर नेगेटिव होगा, क्योंकि हम मानते हैं लोड में करंट जिस टर्मिनल से एंटर होती है वो पॉजिटिव हो जाता है और दूसरा टर्मिनल नेगेटिव हो जाता है। तो इस तरह से हमारे को लोड में आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होंगे। जब नेक्स्ट हाफ साइकिल आता है, मीन्स नेगेटिव हाफ साइकिल आता है, तो हमारी करंट का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा अपर टर्मिनल नेगेटिव एंड लोअर टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारा जो पी एंड है वो भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा और जो क्यू एंड है वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अब इस समय हम देख रहे हैं कि जो हमारा D1 है, D1 इस समय रिवर्स बायस में होगा क्योंकि अपर टर्मिनल हमारा नेगेटिव है, ये कनेक्टेड है यहाँ पे, अपर टर्मिनल नेगेटिव है तो D1 इस समय होगा हमारा रिवर्स में और D2 हमारा फॉरवर्ड में होगा क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल इसके एनोड से जुड़ा है। तो D2 तो कंडक्ट करेगा पर D1 ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो इस समय हमारा करंट का डायरेक्शन इस तरह से बनाएंगे हम, जब D2 कंडक्ट कर रहा है
तो ये टर्मिनल करंट हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर फ्लो होती है, तो करंट का डायरेक्शन इस तरह से होगा, करंट लोअर हाफ में, सेकेंडरी के लोअर हाफ में फ्लो होगी, करंट इस तरह से आई। अब इस समय डी टू कंडक्ट कर रहा है, तो करंट डी टू के थ्रू यहाँ फ्लो होगी, करंट यहाँ आएगी। फिर इस बिंदु पे हम देख रहे हैं कि करंट को दो पाथ मिल रहा है, इधर भी और ऊपर भी, लेकिन डी वन रिवर्स वाइज है तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा और करंट इस ए टर्मिनल से बी की ओर प्रवाहित होगी, तो ये हमारी करंट का डायरेक्शन होगा। इस प्रकार से करंट हमारी यहाँ से यहाँ गई, इस पॉइंट साइड ए से बी, यानी हम देख रहे हैं लोड में इस समय भी करंट का डायरेक्शन ए टू बी है, तो अपर टर्मिनल हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और लोअर टर्मिनल हमारा नेगेटिव होगा। तो अगर हम इसकी वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे आउटपुट की, तो कुछ इस तरह की आएगी। इधर हम टाइम लेते हैं, पहले हम इनपुट की वेवफॉर्म बनाएंगे, ये इनपुट वोल्टेज इस तरह का दे रहे हैं, एसी दे रहे हैं हम, तो हमें जो रेक्टिफाइड आउटपुट मिलेगा वो इस प्रकार से मिलेगा। यहाँ टाइम लेंगे और जो आउटपुट वोल्टेज मिलेंगे, हमने देखा आउटपुट पॉजिटिव हाफ के लिए भी मिल रहा है हमें और नेगेटिव हाफ के लिए भी मिल रहा है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो इस तरह से, क्यों, क्योंकि करंट का डायरेक्शन ए टू बी था और अपर पॉजिटिव था, नेगेटिव हाफ सेकंड में भी करंट का डायरेक्शन ए टू बी है और वो इस तरह से होगा, यानी हमारा इस तरह का आउटपुट इसमें मिलेगा। मींस इसने आउटपुट, इस सर्किट ने आउटपुट को यूनिडायरेक्शनल बना दिया, मतलब आउटपुट जो करंट है सिर्फ ए की दिशा में फ्लो हो रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, हालांकि इसमें भी रिवर्स प्रेजेंट है। अब जैसा हमने फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग देखी, अब हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे पीआईवी। पीआईवी इज पी इनवर्स वोल्टेज, जैसा इसके नाम से क्लियर है, पी पीक मतलब मैक्सिमम वैल्यू, इनवर्स मतलब रिवर्स बायस में जो वोल्टेज होते हैं उसे पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं, यानी हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं किसी भी डायोड पर रिवर्स बायस में जो मैक्सिमम वोल्टेज होते हैं वो उसका पीक इनवर्स वोल्टेज कहलाता है। अब अगर हम सेंटर टेप के केस में देखें, तो एट ए टाइम एक डायोड कंडक्ट कर रहा है, मींस पॉजिटिव हाफ साइकिल था तो डी वन कंडक्ट कर रहा था, नेगेटिव हाफ साइकिल है तो डी टू कंडक्ट कर रहा है, तो हम देखते हैं कि जो इसमें काम एक एक बार में या तो अपर सेकेंडरी काम आ रही है या लोअर सेकेंडरी आ रही है, तो सेकेंडरी पे जो मैक्सिमम वोल्टेज होंगे वो वी एम होंगे और इस लोअर हाफ पे भी मैक्सिमम वोल्टेज होंगे वी एम। सपोज करें हम डी वन कंडक्ट कर रहा है और डी टू कंडक्ट नहीं कर रहा, तो इस समय जब डी टू रिवर्स बायस है तो उसमें मैक्सिमम वोल्टेज क्या होंगे, जो सेकेंडरी के वोल्टेज होंगे वो मैक्सिमम वोल्टेज इस पे अपेयर होंगे रिवर्स बायस में, तो इसकी वैल्यू हो गई वी एम प्लस वी एम। तो हम कह सकते हैं कि सेंटर टैप के लिए जो पीक इनवर्स वोल्टेज होती है उसकी वैल्यू होती है ट्वाइस वी एम। तो फुल वेव रेक्टिफायर में स्पेशली सेंटर टैप के लिए, ब्रिज के लिए वैल्यू अलग होगी लेकिन सेंटर टैप के लिए पीआईवी की वैल्यू होती है टू वी एम। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखेंगे कि इस सर्किट के क्या डिसएडवांटेज हैं। सबसे मेन डिसएडवांटेज जैसा कि हमें दिख रहा है कि जब रिवर्स बायस पे डायोड को अधिकतम कितना वोल्टेज सेंड करना पड़ता है, ट्वाइस वी एम, तो हमें जो डायोड लेना पड़ेगा उसकी रेटिंग ज्यादा लेनी पड़ेगी ताकि वो ट्वाइस वी एम को बियर कर सके, उसको सेंड कर सके। दूसरा सर्किट का डिसएडवांटेज ये है कि हमें यहाँ पे एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर चाहिए होता है, तो इसका जो सेंटर टैप प्राप्त करना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इन कमियों को दूर करने के लिए हम ब्रिज रेक्टिफायर काम में लेते हैं। अब हम देखेंगे, अभी हमने देखा कि फुल वेव रेक्टिफायर दो प्रकार के होते हैं, सेंटर टैप एंड ब्रिज रेक्टिफायर। इससे पहले वाले डायग्राम में हमने सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग देखी, अब हम देखेंगे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की वर्किंग। उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, उनको दूर करने के लिए हमने फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर काम में लिया। अब इसको ब्रिज इसलिए बोलते हैं कि यहाँ इसमें चार डायोड हमने काम में लिए, तो चारों डायोड एक ब्रिज के शेप में अरेंज है, इसलिए ये कहलाता है ब्रिज रेक्टिफायर। और फुल वेव इसलिए ये पूरे साइकिल को रेक्टिफाई करेगा, और रेक्टिफायर मतलब एसी को डीसी में बदलना। तो फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर, ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर हमने एक ट्रांसफार्मर काम में ले लिया और एक ब्रिज फॉर्म किया, उसके लिए हमने चार डायोड काम में लिए, डी वन, डी टू, डी थ्री एंड डी फोर। अब इनके जो ये जो ब्रिज बना, इनके जो डायगनली अपोजिट एंड्स हैं, ये डायगनली अपोजिट एंड हैं, इनको हमने कनेक्ट कर दिया ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी से
और दूसरे दो डायगनली अपोजिट एंड पे हमने लोड को कनेक्ट कर दिया। अब इसमें सपोज कर लीजिए इस टर्मिनल का नाम हम कह देते हैं पी और दिस इज क्यू और लोड का ये टर्मिनल है ए और बी। अब इसकी हम वर्किंग देखते हैं कि जब हम यहाँ पे एसी सप्लाई देते हैं ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पर, जैसा कि हम जानते हैं एसी वोल्टेज बाई डायरेक्शनल होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल भी आता है और नेगेटिव हाफ साइकिल भी आता है और ये टाइम के रेस्पेक्ट में वैरी करता है। इधर हम लेते हैं इसका वोल्टेज। तो जब ये एसी सप्लाई हमने अप्लाई करी तो प्राइमरी पे जब एसी सप्लाई लगाते हैं तो उसके कारण सेकेंडरी में वोल्टेज इंड्यूस होते हैं। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो हम ये मानते हैं कि अपर टर्मिनल पॉजिटिव हो गया और लोअर टर्मिनल नेगेटिव हो गया। तो इस समय हम देखें तो देखते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल इस डायोड D1 के एनोड से जुड़ा है, तो D1 तो हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा लेकिन D4 हमारा समय रिवर्स बायस रहेगा, और जो ये नेगेटिव टर्मिनल है वो D2 के एनोड से, तो D2 भी रिवर्स बायस रहेगा बट D3 के कैथोड से है तो D3 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। यानी इस केस में हम कह सकते हैं कि D1 एंड D3 आर फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस, एंड D2 एंड D4 आर रिवर्स बायस्ड, D2 एंड D4 रिवर्स बायस्ड। अब जो डायोड फॉरवर्ड बायस है वो कंडक्ट करता है और जो डायोड रिवर्स बायस है वो कंडक्ट नहीं करता, तो इस समय हमारे D1 और D3 कंडक्ट करेंगे। तो अगर हम इस समय करंट का डायरेक्शन देखें तो हम देखते हैं करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होती है, करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव आई, फिर ये D1 कंडक्ट कर रहा है तो D1 में आई, D1 में करंट फ्लो होने के बाद करंट दो डायरेक्शन में जानी चाहिए इधर और इधर, लेकिन D2 रिवर्स बायस है तो करंट इस पाथ में फ्लो होगी, इस पाथ में फ्लो होकर करंट एंटर करेगी B पॉइंट से, लोड में होती हुई A पॉइंट पे आएगी, फिर हमारा D1 इधर करंट फिर दो पाथ में आएगी बट D4 रिवर्स बायस है तो करंट D3 में फ्लो होकर वापस इस नेगेटिव टर्मिनल पे आ गई, यानी हमारा पाथ क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बट हमने देखा करंट का जो डायरेक्शन था वो था बी से ए की ओर, तो करंट का डायरेक्शन बी से ए की ओर था तो अपर टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा और लोअर टर्मिनल यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। अब अगर हम इसका अलग से डायग्राम बनाते हैं करंट का डायरेक्शन समझाने के लिए, तो हम देखते हैं कि प्राइमरी तो एज इट इज रहेगी, एसी सप्लाई आई था तो सेकेंडरी में अब D1 कंडक्ट करता है तो हमारा D1 तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो ये तो हो गया हमारा D1, और जो D2 है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो उसको हम छोड़ देते हैं। यहां से हमें कनेक्शन निकालते हैं D1 से जो कि लोड पे जा रहा है, लोड पे आया, ये इस पॉइंट को हमने बी नाम दिया, बी पॉइंट हो गया, इधर लोड कनेक्ट किया, बी से ए के बीच में लोड कनेक्ट करे, दिस इज ए टर्मिनल, दिस इज आर। फिर हमारा इस समय D3 कंडक्ट कर रहा है तो हमारा D3 कंडक्ट करेगा और वो D3 कंडक्ट कर जाएगा इसके नेगेटिव से जुड़ जाएगा, इस तरह का हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा। हमने D2 और D4 को शो नहीं किया क्योंकि वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहे हैं। अभी इस समय हम देख सकते हैं कि D1 और D3 लोड के थ्रू सीरीज में कनेक्ट हो गए, तो हमारी करंट का डायरेक्शन जैसे सपोज कर लीजिए ये पी टर्मिनल था ये क्यू, अपर टर्मिनल इज पॉजिटिव एंड लोअर इज नेगेटिव, तो हमने देखा करंट अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर फ्लो होती है तो करंट इस तरीके से फ्लो होगी, इधर जाएगी, फिर D1 में फ्लो होगी, यहां आएगी, फिर बी पॉइंट पे एंटर करेगी, बी से ए की ओर जाएगी, फिर D3 में होती हुई वापस से करंट यहां आ गई नेगेटिव टर्मिनल पे, तो हमारी करंट को एक क्लोज पाथ कंप्लीट हो गया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि करंट बी पॉइंट पे एंटर कर रही है और ए से बाहर निकल रही है, तो ये टर्मिनल पॉजिटिव हो गया और अपर टर्मिनल क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इस तरह से आउटपुट वोल्टेज हमको लोड में प्राप्त होंगे। ये था पॉजिटिव हाफ साइकिल था। अब अगर नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो हम देखते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल में पी टर्मिनल बिकम्स नेगेटिव एंड क्यू टर्मिनल्स बिकम पॉजिटिव। इस केस में हम देखें तो हमारा D1 तो रिवर्स बायस है क्योंकि D1 का एनोड नेगेटिव से जुड़ रहा है, लेकिन D4 इस समय फॉरवर्ड बायस है। फिर इधर नीचे देखते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल्स के एनोड से जुड़ रहा है, तो D2 तो फॉरवर्ड बायस हो गया लेकिन D3 इसमें रिवर्स बायस हो गया। यानी नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में हम देखते हैं तो D2 एंड D4 आर फॉरवर्ड बायस, D2 और D4 फॉरवर्ड हो गए, D1 एंड D3 आर रिवर्स बायस,
जानते हैं फॉरवर्ड बायस में डायोड कनेक्ट करता है और रिवर्स बायस में डायोड ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो इस समय D2 और D4 कनेक्ट करेंगे, तो हमारी करंट का डायरेक्शन इस तरह से होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव करंट फ्लो होगी, फिर वो इसमें D2 में फ्लो होगी, D2 में आई, D2 से इस टर्मिनल पे गई, फिर B2A होते हुए फिर D4 होते हुए पाथ क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी करंट का डायरेक्शन इस समय भी B से A की ओर ही रहा। इसका भी अगर हम इक्विवेलेंट बनाते हैं तो इस तरीके से होगा, इस समय D4 कंडक्ट करेगा, D4 कंडक्ट किया, ये लोड वाला टर्मिनल हो गया, और इस समय D2 कंडक्ट कर रहा है, तो लोड से हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे और इसको किससे जोड़ देंगे, D2 से, D2 के नेगेटिव से। और D2 का जो पॉजिटिव है वो अपना इसके कनेक्ट हो गया सेकेंडरी से। इस समय अपर टर्मिनल इज नेगेटिव एंड लोअर इज पॉजिटिव। इस समय अगेन D2 और D4 सीरीज में है आरएल के थ्रू, तो करंट का डायरेक्शन अपना इस तरीके से हो जाएगा, ये बी टर्मिनल है और ये ए टर्मिनल है, इस तरीके से करंट फ्लो। यानी हम कह सकते हैं कि लोड में करंट P2A है, तो अपर टर्मिनल यानी नीचे वाला जो B है वो पॉजिटिव हो जाएगा और A क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो दोनों ही केस में आउटपुट में करंट B2A प्रवाहित होगी और B टर्मिनल पॉजिटिव होगा और A टर्मिनल नेगेटिव होगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं इसने इनपुट AC साइकिल का रेक्टिफिकेशन करा। तो ये हमारा कहलाता है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। अब फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के लिए अगर हम PIV कैलकुलेट करते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा PIV होता है पी इनवर्स वोल्टेज, रिवर्स बायस में डायोड पर जो अधिकतम वोल्टेज होते हैं वो पीक इनवर्स वोल्टेज कहलाते हैं। तो यहां हम देखें तो कोई भी दो डायोड कंडक्ट कर रहे हों तो सेकेंडरी पे मैक्सिमम वोल्टेज Vm ही रहते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर ब्रिज रेक्टिफायर के लिए PIV की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू Vm, इसकी वैल्यू होती है Vm। तो अभी हमने देखा था कि जो सेंटर टैप था उसमें PIV की वैल्यू ट्वाइस Vm आ रही थी जबकि इसमें Vm आ रही थी। तो ये एक हमारा एडवांटेज हो गया इस सर्किट का कि जो डायोड लेना होता है वो कम रेटिंग का हम ले सकते हैं क्योंकि उसको रिवर्स बायस में अधिकतम Vm वोल्टेज ही सेंड करने होते हैं। इसके अलावा इसमें वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो गई कि ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी टर्मिनल को फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट था, वो भी इसने सॉर्ट आउट कर दिया। बट डिसएडवांटेज एक ये है कि इसमें 4 डायोड कम में आते हैं, और दूसरा हमने देखा कि एट ए टाइम 2 डायोड कंडक्ट करते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो D1 और D3 कंडक्ट करेंगे, तो उस समय इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सीरीज में आता है तो थोड़ा इस पे वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो जाता है। लेकिन ब्रिज रेक्टिफायर का एक एडवांटेज है कि इसमें सेकेंडरी पूरी काम में आती है, तो इसके जो आउटपुट वोल्टेज होते हैं वो सेंटर टैप की तुलना में हमें ज्यादा प्राप्त होते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं और उन दोनों की वर्किंग हमने देखी। थैंक यू।